दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो वॉलपेपर में अपना भी फ़ोटो लगा सकते हो। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो, मैंने अपने फ़ोटो का वॉलपेपर लगा रखा है। तो अपने फ़ोटो का वॉलपेपर लगाने के लिए आपके लैपटॉप में आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो मेरे पास अभी ये फ़ोटो है, इसका मैं वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो ये मेरा फ़ोटो है, इसका मैं वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ। इसको सेट करने के लिए बैकग्राउंड में, अभी ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा, बैकग्राउंड में ये मेरा फ़ोटो आ जाए डेस्कटॉप पे, इसके लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई देता है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करना है। पर्सनलाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडोज़ द्वारा पहले से ही कुछ वॉलपेपर दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये विंडोज़ का वॉलपेपर है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया ब्लू कलर का। इसके अलावा अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो वॉलपेपर चेंज हो चुका है। इसके अलावा मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो फिर से वॉलपेपर चेंज हो गया। लेकिन अभी अपना फ़ोटो कैसे लगाना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज़ ए फिट में यहाँ पे फिल सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका फ़ोटो है यहाँ से आपको ब्राउज पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर फ़ोटो रखा था, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो रखा हुआ है आप सिंपली सेलेक्ट करके चूज़ पिक्चर पे क्लिक करोगे, और आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज हो चुका है और मेरा फ़ोटो वॉलपेपर में लग चुका है।